राम राम साहब, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है शनिवार और मैं जा रही हूँ पिंपल सींचने के लिए। शनिवार को मैं सा तेल का दिया करके आती हूँ इसलिए, और सुबह का पूजा पाठ कर लिया, प्रदीप स्कूल चला गया। अब मैं जा रही हूँ पिंपल सींचने के लिए। मैंने सारी तैयारी कर ली है यहाँ पिंपल सींचने के लिए। जाने के लिए तेल, गुड़ और तिल, बाजरी ली है चिड़ियों को वहाँ बरसाने के लिए, और रोली मोली। अब जा रही हूँ पिंपल सींचने के लिए। साथ में लेके जाऊंगी पानी का लोटा 11 कलश। मैं पिंपल सींचने के लिए पहले डाल देती हूँ पिंपल में पानी। थोड़ी हवा चल रही है, मुझे डर कुछ बगूर। ये भी को मैंने दीपक कर दिया है क्योंकि हवा चल रही है थोड़ी, पर आज ठंड भी बहुत थी। ये देखो पिंपल एकदम नीचा नीचा है, तो यहाँ पर फेरी काटने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो नीचे नीचे होकर फेरी काटनी पड़ती है। यहाँ पर कुत्ता भी देखा है। ये देखो इनके ऊपर कुत्ता भी आ गया। ये यहाँ चिड़िया और खा लेगी। आज पानी आया था सुबह सुबह ही, तो और सारी जगह लगा दिया, पर नींबू में आज भी नहीं लगाया क्योंकि कह रहे हैं कि इनकी खिचड़ी आ रही है। ये देखो फूल आ रहे हैं और नींबू बनने भी स्टार्ट हो गए, पर कई बता रहे हैं कि महीने भर पानी नहीं लगाना चाहिए, यानी 30 दिन बाद में पानी लगाना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि नींबू में कितने दिनों के बाद में पानी लगाना चाहिए खिचड़ी आने के बाद में। तो अब इनके पत्ते भी थोड़े थोड़े सिकुड़ने शुरू हो गए हैं, तो मैं तो कह रही हूँ पानी लगा दो, पर घर वाले सारे कह रहे हैं 20-25 दिन हुए हैं अभी तक खिचड़ी आते हुए, और थोड़ा नींबू बनने दो उनके बाद में पानी लगाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं नींबू में खिचड़ी आने के बाद में पानी कब लगाना चाहिए। ये देखो नींबू आगे से काची कंगल भी निकाल रहे हैं वैसे तो, पर खिचड़ी आ गई इसकी वजह से पानी नहीं लगा रहे हैं। नींबू के पत्ते सारे सिकुड़ गए हैं। ये देखो खिचड़ी की, ये देखो खिली हुई है एकदम, कईयों के नींबू बने भी हुए हैं।
वैसे दिन के नींबू बहुत लगते हैं, पर कहते हैं कि ज़्यादा दिन पानी नहीं लगाते हैं, जड़ें सूख जाती हैं तो नींबू चला जाता है, वैसे सूख जाता है नींबू, इसलिए पानी थोड़े थोड़े 7-8 दिन पानी लगाते रहते हैं और साथ में छाछ देते रहते हैं। अब 15-20-25 दिन हो गए लगभग पानी नहीं लगाया, क्योंकि खिचड़ी आने के बाद में कुछ दिन तक पानी नहीं लगाना चाहिए, नींबू थोड़ा बनना शुरू हो जाए। तो कई नींबू के बाग और लगाए हुए हैं, उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि 1 महीने तक यानी 30 दिन तक पानी नहीं लगाना चाहिए, खिचड़ी आने के बाद में नींबू थोड़े थोड़े बनने स्टार्ट हो जाए उसके बाद में ही पानी लगाना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पानी कब लगाएं। पर नींबू बहुत बड़े बड़े नींबू लगते हैं, ये देखो 2-3 लगे हुए भी हैं अभी भी, गर्मियों के मौसम में लगते हैं ज़्यादा, सर्दियों के मौसम में 2-4 नींबू लगते हैं। पर आज पानी भी आया था, लगाना नहीं था इसलिए नहीं लगाया। पर ये देखो यहाँ धनिया लगाया हुआ है, ये खूब सारा बड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा लेट ही लगाया था, पर सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा उगने में लेट से स्टार्ट हुआ। यहाँ ये लगाया हुआ है पितर चटा, जो पथरी होती है तब इसके पत्ता 10 दिन पत्ता खा लेते हैं, उसके बाद में पथरी नहीं होती, इसलिए ये पत्थर चट्टा मेरे भैया के जब पथरी हुई थी उस टाइम ये लेके आए थे पत्थर चट्टा लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने 10-15 दिन बाद में खाया था पत्थर चट्टा, पत्ते तोड़ के, थोड़ा सा पत्ता तोड़ के खा लो ये खट्टा खट्टा होता है थोड़ा, पर कड़वा ने पानी। और यहाँ धनिया में लगा रहे हैं पानी, और धनिया में कड़ी बनाने के लिए तोड़ रही हूँ धनिया। ये देखो मैंने थोड़ा सा धनिया तोड़ लिया है कढ़ी बनाने के लिए, और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी, दही है उससे बनाऊंगी कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो दही लिया है, इनको भिगो के छा कर लेंगे घोटने की सहायता से, और 5-6 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा लिया मैंने चने का आटा पीस के यानी बेसन, 2 लिए मैंने कटिंग करके प्याज, और इनका तड़का लगाने के लिए काला जीरा और जीरा, थोड़ा सा लिए साबता धनिया और सौंफ, और थोड़ी सी लिए मैंने हींग। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए पहले अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिए एक कढ़ाई, कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, अब इसमें डाल रही हूँ सोयाबीन का तेल, आपके पास सरसों का है तो सरसों का ले सकते हो, घी सेम भी तड़का लगा सकते हो, मैं ले रही हूँ सोयाबीन का तेल। चार पांच मिनट के लिए मैंने तेल लिए हैं, इनको थोड़ा गरम कर लेते हैं, तेल गरम हो इतने में बेसन और दही को तैयार कर लेते हैं। दही के अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूँ क्योंकि गाढ़ा होता है दही, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, 1 किलो दही है तो 1/2 पानी डाल रही हूँ, इसमें 150 ग्राम में बेसन डाल रही हूँ। अब इनको घोटने की सहायता से घोट लेते हैं। आटे और दही को मैंने एक जी कर लिए हैं, सारे को छाछ की तरह बना लिए हैं, अब इसमें डाल देती हूँ मसाला, मसाला है वो पहले मैं छाछ के अंदर ही डाल देती हूँ। 1 चम्मच लिया मैंने हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच डाल रही हूँ नमक, और 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। दो चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आप अपने मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल लें,
क्योंकि मेरे घर में थोड़ी मिर्च कम ही खाते हैं, तो मैंने कम ही डाली है। वैसे भी कढ़ी के साथ में मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इनको भी इस दही के साथ ही मिला लेते हैं। मसाला छाछ के साथ ही मिला लेते हैं तो ये तड़के में जलता नहीं है और स्वाद भी बहुत अच्छी लग, छाछ के साथ में ये फुलीज भी जाते हैं मसाले, थोड़ी देर 5-7 मिनट रख के छोड़ देते हैं। तो छाछ को मैंने तैयार कर लिए हैं। अब लिया मैंने मामदस्ता, मामदस्ते में ये लहसुन और थोड़ा सा छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया, इनको भी कूट लेते हैं। अदरक को लहसुन को मैं अंदर अदरक कूट लिए हैं। और इतने में तेल भी गर्म हो गया, इसमें ये मसाले डाल देती हूँ सारे, सौंफ, जीरा, साबता धनिया और काला जीरा यानी कलौंजी और हींग, इनको मसाला सारा तड़के में डाल देती हूँ। मसाला मैंने सारा तड़के में डाल दिया, अब डाल देती हूँ हरी मिर्च, इनको भी तेल के अंदर भून लेते हैं। अब डाल देती हूँ कूटा हुआ लहसुन और अदरक, थोड़े डाल रही हूँ प्याज, इनको 2 मिनट सिझा लेते हैं। अब डाल देते हैं छाछ का जो मसाले और बेसन के आटे के साथ में घोल बनाया था, ये डाल देती हूँ, इनको बाहर निकाल लेते हैं और ये डाल देते हैं साथ में। इस प्रकार से आप कढ़ी बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सर्दियों के मौसम में एलर्जी और बनती है सर्दी जुकाम में, ये कढ़ी गरम गरम कढ़ी पीते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। पीने के लिए कढ़ी बनाएं तो आप प्याज मत डालें, क्योंकि प्याज से गरम गरम कढ़ी पी नहीं जाएगी। सर्दियों के मौसम में जिसके दही नहीं जचता है उनके कढ़ी वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी होती है कढ़ी। अब इनको 10 मिनट के लिए सिझा लेते हैं इस दही को, और उबाल आने तक इसको कड़छी को घुमाते हुए रहना है, बीच में रोकना नहीं है, क्योंकि छाछ आपने दही की जो छाछ बनाई है ये फट सकती है। आप इनको उबाल आने तक, एक उबाल आए तब तक कड़छी को घुमाते हुए रखना है क्योंकि छा फटे नहीं। कढ़ी को बनाते हुए 10 मिनट हो गए, ये देखो कढ़ी थोड़ी थोड़ी उबलनी शुरू हो गई, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है, ये देखो कलर कितना मस्त है। कढ़ी में आप जितनी उबाल लेंगे उतनी कढ़ी मस्त बनेगी, कम से कम 4-5 उबाल तो कढ़ी में आने ही चाहिए। और कढ़ी में उबाल आने तक कड़छी को एकदम घुमाते हुए रखना चाहिए क्योंकि छाछ फट जाती है। कढ़ी में 2-3 उबाल आ गए, अब इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया, धनिया को भी कढ़ी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब एक उबाल आने तक कढ़ी को पकाएंगे।
धनिया डालने के बाद में भी एक उबाल आ गया। ये देखो सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है। अब ये बाजरे की रोटी के साथ में आप खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप चाहे तो बाजरे की गेहूं की रोटी किसी के भी साथ में खा सकते हो और पी भी सकते हो कढ़ी को। गैस को कर देती हूँ बंद। कढ़ी को पीने के लिए एक बर्तन में निकाल रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा पीने में कढ़ी अच्छी लगती है रोटी से ज़्यादा। हाँ थोड़ी थोड़ी जुकाम लगी हुई तो मैंने पीने के लिए कढ़ी बनाई है। ये ठरने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी बची हुई कढ़ी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। कढ़ी बन के तैयार है। इस प्रकार से आप कढ़ी बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी है। रब बनाएंगे बाजरे की रोटी, उसके साथ में कढ़ी खाएंगे। ये देखो मम्मी ने बनाई है बहुत सारी बड़ी बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी और कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसलिए आज बनाई है बाजरे की रोटी और कढ़ी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। राम राम सा। थैंक यू।